मेरे को 1 साल से बहुत प्रॉब्लम थी, चलने में पेन हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा गई। मैंने ये इंजेक्शन दवाई वगैरह ले ली, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने सुना डॉक्टर हमजा के बारे में, जो कि मणिपाल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो मैं उनके पास आई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी के लिए। तो मैं 2 जून को एडमिट हो गई और 2 जून को मेरी सर्जरी हो गई। आज 3 जून है, मैं 3 जून के सुबह को बिना किसी सपोर्ट के चल पा रही हूँ, बिना किसी पेन के चल पा रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं कल अपने घर वापस जा रही हूँ। विदाउट एनी सपोर्ट आई कैन वॉक। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्पाइनल सर्जरी से डर रहे हो, ये इसमें कोई मसला नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम स्पाइनल सर्जरी के बाद चल नहीं पा सकते हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह अच्छी तरह से चल रही हूँ, और यहाँ का बहुत जो मणिपाल का बाकी स्टाफ है बहुत अच्छा है, केयरिंग है, और इसकी फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे हर किसी किस्म की बोन सर्जरी होती है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप आ सकते हो, अपना इलाज कर सकते हो, अगले दिन आप अच्छे से चल पा सकते हो। ये पेशेंट रेहाना श्रीनगर की रहने वाली हैं। मैं हर महीने श्रीनगर जाता हूँ ओपीडी के लिए। वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई, ये मेरे पास आई थी कि इनको लो बैक पेन है बहुत ज़्यादा, जो कि 1 साल से बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा और बहुत परेशान थी। इन्होंने मुझे अपना एक्सरे दिखाया। इनकी एक्सरे के अंदर L4 L5 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस था और L3 L4 में लाइसिस था। बेसिकली ये होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली जब हम स्पाइन को हम साइड से देखते हैं, तो ये हर स्पाइन जो है चकोर शेप की हड्डियों से बनती है, और दो हड्डी के बीच में जो गैप है बेसिकली ये डिस्क होता है। ये आप देखें तो ये सारी एक लाइन में है, लेकिन यहाँ पे 4-5 में हड्डी आगे पीछे है। और बेसिकली हुआ क्या है, पीछे से ही यहाँ पे गैप है, गैप मतलब ये फ्रैक्चर है बेसिकली। इसे बोलते हैं स्पोंडाइलो लाइसिस। अगर ये हड्डी आगे स्लिप हो जाती है, इसे बोलते हैं लिस्थेसिस, मतलब ये आगे गिरने लग रही है। बेसिकली स्पाइन इनकी बहुत अनस्टेबल है, और इसके ऊपर वाले में यहाँ पे भी गैप है। बेसिकली होता क्या है, जब भी ये चलने या बैठने लगती, हिलने लगता है, तो ये स्पाइन अनस्टेबल की वजह से इनको बहुत पेन होता है। मैं यही चीज़ आपको मॉडल के बेसिस पे भी समझाता हूँ। जैसे ये स्पाइन का मॉडल है, अगर आप समझे साइड से, जैसे ये स्क्वायर शेप दिख रहा है, ये भी ऐसे ही दिखता है। नॉर्मली ये हड्डी ऊपर वाली नीचे वाली के यहाँ पे हुक बनाता है, लेकिन इनके हुआ क्या है, इस तरह से यहाँ पे ये फ्रैक्चर है, अगर आप समझ पाए, ये यहाँ पे हड्डी टूटी हुई है। अभी इनको शायद बहुत पहले से हड्डी टूटी रही होगी, लेकिन इसके उस समय के समय दर समय होता क्या गया कि हड्डी ये अनस्टेबल होगी और ये इस तरह से आगे भी चली गई है। तो जब भी ये बैठती हैं उठती हैं, ये ऐसे हिलता रहता है, तो इसके वजह से इनको बहुत पेन होता है। और स्पाइन में आपको पता ही है कि नस निकलती है जो पाँव में जाती है, तो यहाँ से नस निकलने वाली इन हड्डी के ऐसे हिलने के वजह से नस भी दबती है। तो इसी वजह से इनको कमर में दर्द और इनकी पाँव में जो दर्द होता है, इसका कारण बेसिकली ये फ्रैक्चर और हड्डी जो आगे स्लिप हो गई है, ये रहा है। अब हमने इसमें क्या किया, हमने एक छोटे से इंसिजन से बेसिकली ये नस फ्री करी, और जो हड्डी आगे गई हुई थी उसको हम पीछे अपनी जगह पे लेके आए और स्क्रू और रॉड से फिक्स किया। तो इसके इस तरह से हम ये स्क्रू और रॉड डाल के फिक्स करते हैं। अल्लाह के शुक्र से ये सर्जरी होते ही, जैसे इनकी सर्जरी 2 जून को हुई थी, और 3 जून की मॉर्निंग में इनको हमने वॉक करा दिया, और ये बिल्कुल पेन फ्री वॉक कर रही थी। उसकी वीडियो भी आपको अभी दिख जाएगी कि इनको चलते हुए नेक्स्ट डे बहुत आराम से चल रही थी। इनका सारा कमर का दर्द और पाँव का दर्द चला गया, और ये 2 दिन के अंदर डिस्चार्ज होके, और शायद तीसरे दिन मंडे को ये वापस जा भी रही हैं अपने श्रीनगर। बाकी का फॉलोअप हम वहीं पे श्रीनगर में करेंगे।